अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद आज की वीडियो क्लास सेवन के लिए है चैप्टर सेवन है अलजेब्रिक पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज सेवन बी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम इसका वन करने लगे हैं अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पर मैंने लिंक एड कर दिया है इसके प्ले लिस्ट का जिसमें आपको सारे क्वेश्चन वन बाई वन मिल जाएंगे और जो दूसरी एक्सरसाइज है सेवन ए उसके भी सारे क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे अरेंज द फॉलोइंग द्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड यानी कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है

असेंडिंग में करनी है छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है सेवन एक्स माइनस फोर प्लस फाइव एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री और एक्स के एक्स ही वेरिएबल है और एक्स ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको हमने अरेंज करना है इसकी पावर के हिसाब से तो जैसे हम किसी नंबर को अरेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है ना पहले बड़ा छोटा लिखना है फिर बड़ा फिर, बड़ा फिर उसे बड़ा फिर उसे बड़ा फिर सबसे बड़ा लेकिन यहाँ पे अब हमने वेरिएबल के पावर पे फोकस करना है तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है

कन्वर्ट हो जाती है वन में सो so, इसका मतलब फोर के साथ हमारे पास सबसे लोएस्ट पावर मौजूद है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे माइनस फोर ठीक हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लिख दिया उसके बाद क्योंकि असेंडिंग ना असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा तो आपने सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना है एक्स की पावर जीरो जो कि हमने माइनस फोर लिख दिया अब यहाँ पे बात है एक्स पावर वन इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो वन है इसका मतलब ये इस सारे का सारा हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे लेकिन यहाँ पे कोई तो फिर अब टू, तो टू के साथ जितनी भी वैल्यू होगी आपने वो उठा के लिख देनी है इंडिकेट जो है ना वो हमने पावर के साथ करना है लेकिन जब हमने इसको लिखना है तो इसकी सारी टर्म को लिख देना है लास्ट पे जो सबसे बड़ा है वो माइनस थ्री एक्स थ्री है तो सारा हमने क्या कर दिया इसको असेंडिंग में कर दिया डिसेंडिंग में अब करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्ज करें अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है और असेंडिंग का बोला जाता है तो सिर्फ आप असेंडिंग करोगे और एक्सप्रेशन देकर बस आपको डिसेंडिंग का बोला जाता है तो फिर डिसेंडिंग करना है डिसेंडिंग क्या होता है बड़े से छोटे की तरफ तो सबसे पहले आप, आपने देखा कि आपके पास जो है ना एक्स की पावर थ्री सबसे बड़ी है तो आपने सारी टर्म उठा के यहाँ पे लिख देनी है हमें पता है कि जो माइनस का साइन है ये इस सारी टर्म का है सो so, मैंने वो माइनस का साइन इसके साथ अप्लाई कर दिया अब एक्स थ्री

टू एक्सर प्लस सेवन माइनस थ्री एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं तो सेवन हम तो है, से, तो है हमारे पास सेवन के साथ ऑब्वियसली हम एट के एक्स की पावर जीरो मौजूद है जो इसको सेवन कर देती है प्लस सेवन उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है एक्स वन ठीक है तो x1 हमने इंडिकेट कर लिया पहले ये डन हो गया अब उसके बाद हमने x0 के बाद x1 वन ढूंढा और आपने सारी टर्म उसकी उठा के यहाँ पे लिख देनी है टर्म में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपने सारी की सारी लिखनी है और साथ साथ उसका साइन लिखेंगे जो कि उससे पहले होता है उसके बाद हमारे पास बचा टू तो अब टू के साथ टू एक्स टू के साथ ना कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहता है ना इसलिए हमने यहाँ पे प्लस टू एक्स लगा दिया अब इसको डिसेंडिंग में कर देते हैं कोई भी मुश्किल काम नहीं है तो descending ऑर्डर में हमने क्या करना होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है तो बड़ा सबसे पहले हमारे पास क्या है 2x2 फिर minus 3x और plus 7 क्यों कि यहाँ पे सबसे पहले 2 पावर 2 फिर 1 और फिर 0 तो ये हमारे पास ट्रावांस आ गया three का पार्ट है 4b3 minus ab2 plus a3 minus a square b square और ए इंडिकेट हुआ हुआ वेरिएबल यानी कि ए के अकॉर्डिंग हमने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है अब दो वैल्यूज आ गई हैं तो दोनों को हम कैसे हैंडल करते हैं वो भी देख लेते हैं सबसे पहले आपने देखना है कि ए की पावर जीरो कहाँ पे है यहाँ पर भी ए की पावर है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ए नहीं है इसका मतलब जहाँ पे ए मौजूद नहीं है जो सिंपल वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ ऑब्वियसली ए की पावर जीरो मौजूद होती है तो हम बी को भी नहीं देख रहे क्योंकि बी भी हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है क्योंकि इंडिकेट किया हुआ है तो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ ए है तो असेंडिंग में सबसे पहले हमने लिखा फोर बी थ्री क्योंकि इसके साथ ए की पावर है ही नहीं थी यानी कि ए था ही नहीं सो so, वो हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे की पावर जीरो है उसके बाद एक की पावर जीरो डन हो गया यानी कि उसका जो भी बन रहा था सारी टर्म वो हमने उठा के लिख दी फिर एक की पावर वन आती है तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रही होगी की पावर वन इससे हमने इंडिकेट किया लेकिन लिखनी आपने सारी टर्म है ए बी टू फिर ए वन के बाद ए टू आनी चाहिए ना तो ये हमारे पास ए टू है तो आपने सारी टर्म यहाँ से उठा के लिख देनी है विद साइन लास्ट में हमारे पास बचता है सबसे बड़ी वैल्यू जो कि ए थ्री है तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम वही चीज है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि पावर A3, फिर छोटी हमारे पास क्या है A2, तो इंडिकेट हमने पावर से करना है लेकिन सारा लिखना है हमने फिर वन माइनस ए बी टू और फिर उसके बाद सिंपल कॉन्स्टेंट फोर बी थ्री क्योंकि फोर बी थ्री के साथ कोई साइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन वहां पे प्लस मौजूद होता है सो तो मैंने यहाँ पे प्लस अप्लाई कर दिया फोर इसका पार्ट है

और इसमें भी वाई है इसमें भी वाई नहीं है इसमें भी बाकी सब में है तो ये तो दो हमारे पास आ गई अब क्या किया जाए पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें तो एक, एक आ गई थी ना जैसे कि यहाँ पे एक ही था एक वैल्यू थी जिसमें एक ही पावर नहीं थी सो so, यहाँ पे तो अब हमारे पास क्या है एक हमारे पास सिक्स एक्स टू है और एक हमारे पास टू एक्स है सो so, हमने सेंडिंग में क्या करना है बेसिकली ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है इसलिए हमें कोई मसला नहीं हम इनको किस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं इसको पहले लिख देते हैं इसको पहले लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप ये ख्याल रख रहे कि जो कॉन्स्टेंट मौजूद है उसकी बड़ी पावर आप लिख लें लिखनेक्स टू उसके बाद प्लस टू एक्स तो दोनों वैल्यूज लिखी गई जिसके साथ वाई की पावर जीरो थी ठीक है अब हमने लिखनी है वाई की पावर वन सो एक हमारे पास है ये वाई की पावर वन एक है वाई की पावर वन क्योंकि इनके साथ कोई पावर नहीं है ना तो यहाँ पे आपको वाई की पावर वन वाई की पावर वन नजर आ रही होगी तो यहाँ पे x, y एंड y। तो आपने क्या करना है जैसे हमारा सीक्वेंस चल रहा है सबसे पहले x2, फिर x। अब इस x वाले को हम लिख लेते हैं प्लस प्लस आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन x को थोड़ा सा अगर सीक्वेंस आप रखें ना तो x2, फिर ये वाला x, फिर x की वैल्यू और फिर सिंपल y की वैल्यू और बाकी लास्ट में हमारे हमारे पास माइनस टू वाई टू अब हम इसको डिसेंडिंग में कर देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपल हमने क्या करना है सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है जो कि वाई की होगी तो माइनस टू वाई टू उसके बाद ढूंढना है वन वन तो वन वन के अकॉर्डिंग पहले हम सिंपल प्योर जो वाई होगा वो लिखेंगे फिर लिखेंगे जिसके साथ कोई दूसरा अनदर वेरिएबल या कॉन्स्टेंट है वो लिखेंगे ठीक है ये हमने लिख लिया बाकी हमारे पास ये दो वैल्यूज बचती हैं जिसमें हमने लिखना है सबसे पहले सिंपल एक्स और फिर लिखना है सिक्स एक्स टू ठीक है अगर इसको सीधा किया जाए तो वही हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा अगर इसी को अरेंज किया जाए यानी कि उल्टा अरेंज किया जाए तो हमारे पास क्या होगा ये डिसाइनिंग बन जाएगा।